गुड मॉर्निंग सचिव राधे राधे मनोज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्वेंटी फोर सेवन यूट्यूब चैनल पर आप सभी सुरक्षित होंगे मजे में होंगे दृश्य होंगे अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे पढ़ो कुछ ऐसा कि दुनिया पढ़ना चाहे आप जैसा बात सुनी होगी आपने मेरे दोस्त तो हमेशा मेरे दोस्त हमेशा ऐसा पढ़ना है कहा सुनिए ना जाकूरा और मार सके ना को बाल ना बा कर सके जो जगे वीर तो मतलब हमेशा हमको मेहनत करनी है तो अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से करने के लिए एक बार आज आपने देखा होगा पच्चीस टॉपिक पच्चीस चैप्टर खत्म हाँ ये सच है ये सच है मनोज शर्मा सर की बात को रिकॉर्ड कर लो आज मैथ्स को मेरे दोस्त ऐसे उठवा दूंगा ऐसे फूक की तरह ऐसे उठाओगे सिर्फ ऐसे 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 उंगली पर नचवाऊंगा आज उंगली पर समझ रहे हो ना जैसे श्री कृष्ण ने मेरे दोस्त चक्र उमा दिया था ना उंगली पर आज जैसे ही मैसे मेरे दोस्त उंगली पर ना हमारा ध्यान रखना तो जरा आ जाइए जरा आ जाए मेरे दोस्त जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से फटाफट मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आज बनने वाला है बहुत कुछ नीस पच्चीस पच्चीस चैप्टर खत्म तो मेरे दोस्त ये मत कहना यार जो देरी जिसकी रह गई तो यार ये मत कह देना मनोज शर्मा सर मैं पच्चीस टॉपिक से रह गया था उसमें मनोज शर्मा सर की कोई गलती नहीं रहेगी मेरी बहन मेरे भाई मेरे दोस्त तो एक बार फटाफट से फटाफट जल्दी से जल्दी सभी के सभी दोस्त आ जाए और मेरे दोस्त इधर ध्यान देना ये मेरे दोस्त डबल वैलिडिटी चल रही है एस एस सी के पूरे महापैक पे तो मेरे दोस्त कोई भी बैच परचेज करना है सिर्फ भैया का कोड यूज करना बाई तीन सौ इकहत्तर बाई थ्री सेवन वन अब जरा आ जाइए ये मेरे दोस्त कुछ ऐतिहासिक होने के लिए जा रहा है सोमवार को बारह बज के ग्यारह बज के पैंतालीस मिनट पे बी ए आरसी का दूसरा बैच आ गया है जो कि 29 तारीख से स्टार्ट होगा कूपन कोड लगाना है मेरे दोस्त यूज कोड करना है तो जरा आ जाइए और यहां से हम अपनी बात को भी स्टार्ट करेंगे दोस्त आ जाए तेरे गिरने में तेरी हार नहीं तू इंसान है अवतार नहीं गिर उठ फिर दौड़ क्योंकि जीवन संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं मेरे दोस्त तो आज इसी के साथ 25 टॉपिक 25 चैप्टर के साथ खत्म करूंगा और आज की उम्मीद रहेगी कि मेरे दोस्त कम से कम मेरे साथ दो कम से कम दो हजार दोस्त मेरा साथ देंगे कम से कम मुझे उम्मीद आज दो हजार दोस्तों की क्योंकि ये मेरे दोस्त पूरी पूरी रात भर पूरी रात भर भर मेहनत करके जाग के इसके पीछे मेरी पूरी एक सप्ते की मेहनत है पूरी एक सप्ते की मेहनत मैं ये सोच रहा था कब लेके आओ बारे को कि पच्चीस टॉपिक पच्चीस चैप्टर मेरे दोस्त खत्म कर दू तो जरा इस क्वेश्चन को देखना और हाँ ये आज मनोज शर्मा सर का वायदा है कि कोई भी एक सेकंड से दूसरी सेकंड ली तो एक भरे कमेंट बॉक्स में कह देना मनोज शर्मा सर आप बिल्कुल अपनी जगह गलत हो पूरे सीरीज में मुझे हिंदुस्तान में कम से कम बाद में लाखों लोग देखेंगे कुछ नहीं कहूंगा डिफरेंस फर्स्ट टर्म माइनस के लास्ट टर्म ना ना बाबा बिल्कुल नहीं कहने वाला कितने टर्म है एक दो तीन चार पांच छह लिख दो बस पहला टर्म कितना एक लास्ट का टर्म कितना तेरह छह बटे तेरह आंसर आगे बोलो छह बटे तेरह आंसर आ गया छह बटे, बटे दोस्त सिक्स कुछ नहीं आज पच्चीस आज मैथ को मेरे दोस्त उंगली पर नचवा दूंगा सिर्फ मेरे दोस्त कितने ट्रम है छह ट्रम है एक दो तीन चार पांच छह पहला ट्रम एक लास्ट का ट्रम तेरा तो बस छह बटे आंसर आ गया देखो दूसरा क्वेश्चन देखो दूसरा क्वेश्चन डिफरेंस में चार का चार का कितने का भी चले कितने ट्रम एक दो तीन चार पांच पांच वटे दोस्त पहला लास्ट का ट्रम, पांच बताओ क्या आंसर आएगा मेरे दोस्त फटाफट फटाफट से फटा ऐसी रफ्तार चलनी चाहिए आज कि यार हर एक दोस्त कह दे सर मुझे मैथ से इतना डर लगता था मैं इतना कठिन था मैथ मेरे दोस्त कोई आज तक हिंदुस्तान के अंदर देख सकते हो कि पच्चीस टॉपिक पच्चीस मेरे दोस्त मेरे भैया चैप्टर पच्चीस मेरे दोस्त ट्रिक में खत्म कर दूंगा देख लो इस ट्रिक को

इक्कीस बोलो 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 यार एक बार दिल क्लियर सेवन लगा के ले दोगे वर्ग बनाने के लिए वर्ग बनाने के लिए कौन सी संख्या जोड़े आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछता है पूर्व वर्ग बनाने के लिए कौन सी संख्या जोड़े और आज के बाद आपसे हिंदुस्तान के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर कभी भी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए संख्या पूछे तो आज के बाद मेरे दोस्त कभी भी ध्यान रखना कि आपको कुछ नहीं करना कुछ नहीं करना सिर्फ मनोज शर्मा सर की बात को सुनना सिर्फ मनोज शर्मा सर की जब यह पूछे कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए व्हाट व्हाट विल विल ऐड ऐड इन द बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर मेरे दोस्त पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़े पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सिर्फ मेरे दोस्त मेरी बात को सुनना सिर्फ अब कभी भी ऐसा पूछे तो इन दोनों का अंतर देखो कितने का बारह का अंतर कितने का अंतर है सिर्फ डिफरेंस कितने का अंतर है बारह का अंतर दो से भाग दे दो बाद में दो से भाग कितना हो गया अच्छे और हमसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पूछ रहे हैं ना परफेक्ट स्क्वायर तो बस छह का स्क्वायर कर देना मेरे दोस्त छत्तीस जोड़ दो कितना जोड़ दो छत्तीस जोड़ दो बस यार ये बात आपको लग रहा होगा कि मनोज शर्मा सर तो एकदम तावर तोड़ तरीका से रिवीजन करा रहे हैं मेरे दोस्त हाँ ये मुझे पता है कि आपके एग्जाम के अंदर आता है और यहां पर हम नर्मस होकर गिर जाते हैं लेकिन कभी आपने देखा कि माँ बाप कहते बेटा उठ चल उठ चल ये आज वही क्वेश्चन है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़े पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़े तो इन दोनों का अंतर ले लो इन दोनों का अंतर सिर्फ बारह और दो से भाग दे दो कितना हो गया छह पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पूछ रहा है ना पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पूछ रहा है तो बस इसका स्क्वायर कर देना मेरे छ का स्क्वायर छत्तीस छह का स्क्वायर छत्तीस थर्टी के लिए क्या जोड़े पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़े इनका अंतर लो दो से भाग दो फिर उसका स्क्वायर कर दो बताओ यार जल्दी से जल्दी एक बार मेरे दोस्त फटाफट से फटाफट जल्दी से जल्दी बता दे क्विकली मेरे दोस्त फास्ट फास्ट मेरे भैया फास्ट एक बार मेरे भैया यार इतनी बात बहुत ज्यादा गलत है इतना टाइम लगेगा तो ये इतना टाइम लगेगा मेरे दोस्त बात नहीं बनेगी बोलो बहुत बढ़िया इसका आंसर डिफरेंस फिर इसका स्क्वायर देखो कितने का अंतर है बोले सर सत्तर सौ छप्पन दो का अंतर किससे भाग देना दो से कितना बचा एक और हमें स्क्वायर 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 पूछ रहा है परफेक्ट तो एक का भैया क्या होता है एक बोलो 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 बात सही है कि गलत है एक बार इस दिल हाथ भाई के लिए, के लिए कह देना की बात गलत है मनोज शर्मा सर की बात गलत है मनोज शर्मा सर की एक बार ये बात बोल देना मेरे दोस्त हिंदुस्तान की पूरी बात कर रहा हूं कि यार पूरे मैं दोस्त एक सप्ते से मेहनत कर रहा हूं आपके लिए पूरे एक सप्ते से मेहनत मैंने कहा यार मैं हर

बताए मेरे दोस्त बताए बताइए बताओ मेरे भैया देखो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए टू प्लस वन टू का स्क्वायर प्लस वन टू की पावर फोर मतलब देखो स्क्वायर दो में चल रहा है दो का स्क्वायर फिर चार फिर सोलह फिर बत्तीस फिर देखो, 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 फिर फिर बस कुछ नहीं करना जब कभी भी दो के मल्टीपल में चल रहा हो मतलब उसका डबल होता जा रहा हो भैया एक का डबल दो, दो का डबल चार चार का डबल सोलह सोलह का डबल बत्तीस तो जो लास्ट वाली पावर है उसमें दो का खुरा कर देना स का दूना कितना हो गया चौसठ बाद में माइनस का फल लगा देना टू की पावर सिक्सटी फोर माइनस के वन दो की पावर चौसठ माइनस के वन सिर्फ 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 बोले बोले सर क्या बोला सर कान सुनने के लिए तरस रहा जल्दी बताओ सर जब कभी भी डबल में चल रहा हो जब कभी भी डबल में चल रहा हो जब कभी भी डबल में चल रहा हो तो मेरे दोस्त हमारे पास सोलह मतलब बत्तीस की पावर मतलब बत्तीस है जो उसमें दो का गुणा कर दो तो दो की पावर चौसठ हो गया दो की पावर चौसठ हो गया और माइनस के बल लगा देना बस बस माइनस के बल लगा देना बाद में बस हाँ मेरे दोस्त ऐसे ही इसमें करना है देखो यहां पर स्क्वायर चल रहा है मतलब डबल चल रहा हो एक का डबल दो दो का डबल चार चार का डबल आठ आठ का डबल सोलह तो सोलह की पावर बत्तीस माइनस इस देख रहे होंगे कि यार मनोज शर्मा सर ये तो आपने तबाही कर दी कर दी तबाही कर कर दिया हाँ मेरे दोस्त जैसा रेस्पॉन्स एमटीएस के अंदर दिया वही बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर दूंगा इस हिंदुस्तान में देख लेना पूरे हिंदुस्तान की ताकत मेरे दोस्त पच्चीस टॉपिक पच्चीस मेरे दोस्त चैप्टर खत्म कर दूंगा जरा आ जाइए तो बस इसका मेरे दोस्त दो का स्क्वायर मतलब दो का गुणा कर दो सोलह गुणा दो बस माइनस में बाद में माइनस में लगा देना हो गया दो की पावर बत्तीस माइनस की बन ये कहते मैथ्स ये कहते हैं ट्रिक क्या लगता है कि मैंने एक, एक सप्ते की मेहनत नहीं की पीछे

प्लस में, में सीरीज हो या माइनस में सीरीज हो प्लस में सीरीज हो माइनस में सीरीज हो इनफाइनेटिव तक चल रहा हो तो सत्य बयालीस छियालीस छह सत्य बयालीस मेरे दोस्त इसके ऐसे फैक्टर करो, हाँ करो कि जिसका अंतर एक आ जाए इसके ऐसे फैक्टर करो कि जिसका अंतर एक आ जाए तो मेरे दोस्त ध्यान रखना जब प्लस में सीरीज है तो बड़ा वाला आंसर होगा सीरीज माइनस में, में तो छोटा वाला आंसर प्लस में सीरीज है सात आंसर आ गया सात आंसर साथ 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 मेरे दोस्त लग रहा होगा कि मनोज शर्मा तो बहुत तेज पढ़ा रहे रफ्तार में पढ़ा रहे हाँ मेरे दोस्त क्या आपको लगता है कि आधे घंटे में दोस्त हाँ मैं सोचूंगा 25 चैप्टर 25 मिनट में ही खत्म कर दू 25 चैप्टर 25 मिनट के अंदर ही खत्म कर दू हाँ मेरे दोस्त इस बाइ का भाई का वायदा है कि आज जैसा आपको हिंदुस्तान के अंदर कहीं मैथ नहीं मिलेगा आज जैसा पूरे हिंदुस्तान के अंदर छह सत्य बयालीस छह सत्य बयालीस मेरे दोस्त छह सत्ते मेरे दोस्त बस इसका डिफरेंस आंसर तो बताओ क्विकली फास्ट. एक बार में रफ्तार में आंसर आना चाहिए चार ऐसे लाइन लगनी चाहिए मेरी बहन मेरे भाई दोस्त आज मैं माफी चाहूंगा कि कमेंट का नाम नहीं ले पा रहा क्यों नहीं ले पा रहा क्योंकि सिर्फ मेरा मकसद है पढ़ाना आज मेरे दोस्त तबाही कर दूंगा मेरे दोस्त तबाही मैथ का मेरे दोस्त खल्लास कर दूंगा खल्लास जैसे श्री कृष्ण ने मेरे दोस्त उंगली पर नचाया था ना चक्रो को ऐसे आज मैथ्स को ऐसे नचा दूंगा मेरे दोस्त उंगली पर ऐसे तो मेरे दोस्त बड़ा वाले है तो मेरे भैया क्या हो जाएगा प्लस का चार आंसर आ जाएगा फोर आंसर आ जाएगा कह दो हिंदुस्तान में मेरे मेरे दोस्त दोस्त अब बहुत मेंजी हो गया है। जरा क्वेश्चन को देखो जरा जरा देखो अरे चलो ठीक है वाई थ्री सेवन वन कूपन कोड लगा के ले लेना वाई थ्री सेवन वन अब आ जाओ ये क्वेश्चन देख के कितने लोग कहते हैं कि सर मैं इसमें दस मिनट लूंगा मनोज शर्मा सर का वायदा है कि एक सेकंड से दूसरी सेकंड नहीं लूंगा एक सेकंड से दूसरी सेकंड नहीं लूंगा और दूसरी सेकंड ली तो ये पेन को ऐसे छोड़ दूंगा आज के बाद बोलो ये मनोज शर्मा सर वायदा देते हैं कि आज के बाद पढ़ाना छोड़ दूंगा मेरे दोस्त ये शब्द में हिंदुस्तान में कभी नहीं बोला लेकिन एक सेकंड से दूसरी सेकंड ले लू तो एक सेकंड से दूसरी सेकंड ले लू तो इस पेन को मेरे दोस्त ऐसे छोड़ दूंगा ऐसे जरा देखो क्या कह रहा है हमसे मेरे दोस्त ए माइनस बी तीन का होल स्क्स बी माइनस फोर का होल स्क्स सी माइनस नाइन का होल स्क्ल टू जीरो तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर ये पूछ रहा है तो एक बात सोचना जरा ए माइनस तीन का होल स्क्वायर बराबर जीरो है तो ए बराबर तीन मिलेगा अरे इसका मतलब ए बराबर तीन तो ए माइनस है तो बी बराबर यहां पर भी चार मिल जाएगा सी बराबर यहां पर भी नौ मिल जाएगा मैंने सिर्फ एक आपको सॉल्व करके दिखाया है कि मेरे दोस्त माइनस तीन का होल स्क्वायर हो, क्या कह दिया सर आपने, अरे सर 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 एक ही सर आपने अरे ये कहां से ट्रिक लायो, सर कितनी मेहनत की आपने रात भर मेरे दोस्त मैं तो मेरे दोस्त आपके लिए ही हूं सब कुछ तो ये देखो ये इसका मतलब मैंने इसका हरेक से ले हुआ ना तो बी बराबर चार हो जाएगा सी बराबर नौ हो जाएगा रख दो अंडर में रख दो अंडर में रख दो अंडर उ तीन प्लस चार प्लस नौ बोलो तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त ये हो जाएगा मेरे दोस्त सोलह और सोलह का मतलब होता है मेरे भैया चार तो बोलो आंसर चार आ गया कि नहीं आ गया मेरे दोस्त कैसी बात कर रहे हो यार आज मुझे दो हजार दोस्तों से अपना प्यार चाहिए दो हजार कम से कम दोस्तों से प्यार चाहिए यार इतनी मेहनत जो चैप्टर बनाने के लिए मैंने रात भर मेहनत की है मेरे दोस्त कि यार मुझे लगा था मेरे भैया मेरा बहन मुझे इतना प्यार देंगे आज दो हजार मेरे साथ आएंगे और देखो सिर में सर दर्द हो जाएगा मेरे दोस्त कोई बात नहीं मेरे दोस्त मैं तो कह रहा हूं ना मैं पढ़ाना उस दिन छोड़ूंगा जिससे मेरी सांस अंतिम होगी मैं ऐसे 2000 और मेरी एनर्जी देखो ही आपके सामने यार मैथर दर भटकने की जरूरत नहीं है ये मैथर दर्द जो भटकते हो ना आप मेरे दोस्त दर्द को दूर हो गए ज्ञानी लोग किताबों की पूजा करते और अज्ञानी लोग पत्थरों की पूजा तो मेरे दोस्त आपको किताबों की पूजा करनी है आ जाओ जरा ये क्वेश्चन देख के कितने लोग कहते हैं कि सर मैं इस बात को छोड़ के आ जाता हूं कितने लोग कहते हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है और हम कहते हैं वाह वाह सर हमें तो ये आया नहीं हम इसको छोड़ के आगे बड़े खुश हुए ना कभी माँ बाप के सपनों को पूछना मेरी बिटिया तुम चाहे कितने रुपए का भी बैच लेती हो चाहे दो रुपए भी दो रुपए होते हैं दोस्त उन पैसों की वैल्यू समझो जो माँ बाप आपको लिए कभी ये नहीं कहते मुझे बेटिया सत्ताईस का बैच खरीदना है मैं यहाँ बैच की बात नहीं करूंगा सिर्फ पढ़ाने की बात करूंगा जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे जब कभी भी ऐसी मूरत दे, तो जरा समझना वन अपॉइंट वन प्लस वन अपॉइंट वन प्लस बस आपको लास्ट वाला देखना लास्ट वाला क्या देखा एक बटे तीन लास्ट वाला देखना एक बटे तीन तो पहले एक लिखो बाद में तीन लिखो इसको एक को पहले लिखो और तीन को बाद में लिखो एक को पहले लिखो और तीन को बाद में लिखो एक को पहले लिखो बाद में तीन को लिखो सिर्फ कितनी बार प्लस हो रहा है कितनी बार एक आ रहा है एक दो तीन चार एक दो तीन चार बस यहां पर चार लगा दो एक दो तीन चार समझ लेना कहीं हिंदुस्तान में दूसरी जगह नहीं मिलेगा कहीं हिंदुस्तान में सुबह दस बजे शाम साढ़े चार बजे और रात बजे, रात बजे। तो समझ रहा? मेरे एक बटे तीन ओहो, सर एक बटे तीन पहले एक लिख दिया बाद में तीन लिख दिया कितनी मारा एक दो तीन चार बस प्लस में साइन है तो जोड़ते हुए तीन और एक चार जोड़ते हुए चार और तीन सात जोड़ते हुए जाओ सात और चार ग्यारह ग्यारह और सात अठारह बस अब देखो हमने पहले ये लिखा हिंदुस्तान के सिर्फ हमारे माइंड का गेम, है माँण माँण का गेम है। यार हमने चाह तो कठिन बना दिया हमने चाह तो ईजी तो बना दिया हमने चाह तो कठिन बना दिया और हमने चाह तो ईजी बना दिया मेरे दोस्त ऐसे कैसे हो जाएगा यार कभी होता है ऐसे पढ़ना सीखो यार मेहनत करना सीखो मेहनत हमेशा ऐसी करो कि जिंदगी में बुलंद हो जाए दूसरे वालों को कि यार इसका तो लोड़ा सिलेक्शन ले गया इसका तो लड़की सिलेक्शन ले गई मेरे दोस्त उसने मेहनत की थी मनोज शर्मा सर की क्लास देखी थी तो समझना पहले एक लिख दिया बाद में तीन लिख दिया। कितनी नहीं लूंगा सिर्फ ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा देखो कितने लोग कहते क्वेश्चन को नहीं कर पाऊंगी एक सेकंड से दूसरी सेकेंड ली एक सेकंड से दूसरी क्वेश्चन लिया सेकंड के लिए तो ऐसे पेन को गिर दूंगा ऐसे पेन को उठा के गिर दूंगा बोलो कितने लोग इस बात से सहमत है मनोज शर्मा सर की थे कि यार मनोज शर्मा सर आज ने आपने मुझे नहीं लगता मेरे भैया ऐसे मन में सोच रहे हो मनोज शर्मा सर आपने तो बड़ी मेहनत की होगी इस सप्ते हाँ मेरे दोस्त किसी भी मैं जब स्पेशल शो तो लेके आता हूँ ना आपके लिए जब किसी स्पेशल शो को तो लेके आता हूं तो मेरे दोस्त मेहनत करता हूं जीजन तरीका से मेहनत करता हूं पूरी रात भर मुझे नींद नहीं आई थी कि यार मैं कल कैसे अपने दोस्तों को समझाऊंगा कैसे दूंगा पसीना आ रहे हैं ना गर्मी में एसी चल रही है सिर्फ किसके लिए आपके लिए क्या लग रहा, 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 रहा है मनोज शर्मा सर है बकरा बकने दो अरे दोस्त यही एक दिन ज्ञान दोगे मनोज शर्मा सर की मैं क्लास देख लेती मैं क्लास देख लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता ये हो जाता मेरे दोस्त सिर्फ पढ़ो सिर्फ पढ़ो पढ़ो अब देखो मेरी बात को समझो जरा जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ये कैलकुलेशन नहीं करनी यार कैलकुलेशन नहीं करनी जरा समझो कितना जा रहा है देखो नौ सात तिर भाग दो नौ सात तिरसठ और यहां पर भी सात ही आ रहा है ना भाग दो नौ साठ तो बस कितना है मेरे भैया पीछे और यहाँ कितने तीन आ, कितने नौ आ रहे जितने नौ आ रहे बस उतने जीरो लगा देना हो गया आंसर नौ आंसर हो गया नौ हजार सुनो 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 अरे मेरे दोस्त भाग दो नौ सात तिरसठ जब साथ ही आ रहा है ना ठीक है अब जितने यहां पर नौ हो उतने नौ लिख दो बस नौ से ही जा रहा है यहां जितने नौ आ रहे हो बस उतनी जीरो लगा देना नौ हजार एक और क्वेश्चन देखना समझो, समझो समझो आज ट्रिक है बड़ा लॉजिक है पीछे किसी दिन बताएंगे विस्तार में किसी दिन समझाएंगे विस्तार में सिर्फ आज टॉपिक पर बात करो मेरे दोस्त बाई थ्री सेवन वन कोपन कौन को लगा के ले सकते हो दूसरा बैच आ रहा है उन्तीस जुलाई से अब जरा समझो इस क्वेश्चन को जरा समझो मेरे भैया इस क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन दो ऐसा एक और क्वेश्चन दो ऐसा चलो मैं लिख के बताता हूं एक बार मैं आपको लिख के बताता ऐसा क्वेश्चन आज के बाद हिंदुस्तान की कोई ताकत नहीं है कि आपको मैथ्स में मेरे दोस्त रोक दे आपको मेरे दोस्त मैथ्स में कोई ताकत नहीं है जो आपको मेरे भैया मैथ्स करने से रोक दे इस हिंदुस्तान की ताकत की बात कर रहा हूं एक और क्वेश्चन लेता हूं एक बटे पांच एक बटे पांच प्लस प्लस ऐसा ही बना रहा हूं एक दो तीन चार मेरे भैया पांच एक दो तीन चार पांच चार सौ चौरानवे बटे चार सौ पिचानवे चार सौ चौरानवे बटे चार सौ पिचानवे

अब यहां कितने आ रहे? एक दो तीन चार पांच जीरो आ रहे तो बस यहाँ पर पांच नौ आ रहे होता है सिर्फ मैथ्स को कठिन बनाया गया है। सिर्फ मैथ्स को कठिन बनाया गया मैथ्स कभी कठिन नहीं होता मैथ्स कभी कठिन नहीं होता मैथ्स को बनाया गया है इजी और बनाने के लिए हम देर रात दोस्त मेहनत कर देंगे अपनी मेरे दोस्त देर रात मेहनत कर देंगे जितनी क्षमता है अब जरा इस क्वेश्चन को देखो कौन कहता है इस क्वेश्चन में मेरे दोस्त कठिनाई है कौन कहता है इस क्वेश्चन में कठिनाई है बताओ मेरे दोस्त कौन कहता है एक्स प्लस वन पॉन एक्स बराबर टू है एक्स प्लस वन पॉइंट एक्स बराबर टू है तो एक्स की पावर चार सो माइनस एक्स की पावर सात सौ बराबर क्या होगा बताओ अब देखो जरा समझो अब आप इसको फॉर्मूला से करोगे सॉल्व तो किसने कहा कि तुमसे होगा बिल्कुल तो नहीं होगा बिल्कुल टाइम लगेगा बाबा मैं इसको कैसे करूं इजी, बताओ ना, अरे जरा समझो यार, LHS और बराबर होते LHS और बराबर होते, X की जगह वन रख दो ना, इसको वन रखो इसको भी तो वन बराबर वन तो इसकी एक की पावर कुछ भी एक होता है एक की पावर एक तो आंसर आ गया जीरो अरे एक्स बराबर वन रख किसने कहा कि तुम इसको इजी करो किसने कहा कि तुम इसको कठिन करो यार क्वेश्चन सिर्फ आपके ऊपर होता है कठिन और सिर्फ आपके ऊपर होता है सिर्फ वो मेहनत है मेरे दोस्त जिंदगी में वो मेहनत ताला है आपकी जो हिंदुस्तान की ताकत कोई नहीं है कि जो आपको मेहनत के आगे मेरे दोस्त इसको आपको सिलेक्शन को रोक दे कोई इस हिंदुस्तान की ताकत नहीं है इस हिंदुस्तान की ताकत जो आपके सिलेक्शन को रोक दे कह देना इस दावा से मनोज शर्मा सर आ गए पढ़ाने के लिए मैं इसको मनोज शर्मा सर आ चुके हैं और दोस्त मैथ्स में इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्त देख सकते हो मैंने आज वायदा किया था जैसा कि मैं आज, आज आपको चैप्टर करा दूंगा तो 25 टॉपिक 25 मेरे भैया चैप्टर तो एक्स बराबर वन रख दो तो वन, वन बराबर दो आ गया दो बराबर दो तो यहां पर वन रख दो वन की पावर कुछ भी वन ही आएगा और यहां पर जीरो आंसर आ गया क्या आएगा जीरो 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 ओह बात कह दी अब जरा इस क्वेश्चन को देखो मैं मानता हूं कि इस क्वेश्चन को देख के तमाम दोस्तों की हालत खराब हो जाएंगी तमाम दोस्तों की हालत खराब हो जाएंगी। ये बिल्कुल मेरे दोस्त सेम फॉर्मेट पर क्वेश्चन आता है सेम फॉर्मेट पर क्वेश्चन आता है कभी बदल के नहीं देगा कभी बदल के नहीं देगा इस फॉर्मेट को कभी नहीं देगा बदल के भैया लिख लो मेरी आवाज बैठ होगी ना मेरे दोस्त चिल्ला रहा हूं पढ़ा रहा हूं लेकिन आपको एक बार भी ये कुछ नहीं आया कि भैया के लिए जो ये वीडियो को को ऐसे ऐसे है ना इसको लाइक कर दे। और शेयर मार सोशल में फैला टॉपिक ट्रिक मेरे भैया खत्म कर रहे हैं मनोज शर्मा सर मनोज शर्मा सर इतना मेहनत कर रहे हैं किसके लिए मेहनत कर रहे हैं अपने लिए क्या अपने लिए क्या अपने लिए अपने लिए सिर्फ आपके लिए सिर्फ आपके लिए तो बस दोस्त पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो तो जरा समझो जब कभी भी ए स्क्वायर प्लस

मेरी बहन पूरी रात भर जागता रहा पूरे स्टडी की, की सात दिनों में रातों में एक पन्ना पढ़ता था मैं दिन में क्लास देता था मेहनत करता था मैंने कहा नहीं यार मैं बाबा एटोमिक रिसर्च सेंटर के लिए वो कर दूंगा आप कूपन कोड यूज वाई थ्री सेवन वन पैच लेने मत मेरा करो किसी का कर लो लेकिन भैया से प्यार लगता हो तो वाई थ्री सेवन वन कूपन कोड यूज क्या करो लो तो मेरे दोस्त यहां पर एक के आगे क्या है तो A के आगे कुछ नहीं वन माना बी के आगे वन सी केन माइनस वन बी माइनस वन सी की जगह माइनस वन प्लस वन से माइनस वन कैंसिल आउट कौन कहता है कि यार डिविजिलिटी मेरे दोस्त सेवन का हमसे भाग नहीं होता डिविजिलिटी सात की क्या कहती है डिविजिलिटी सात की क्या कहती है सात से विभाजकता का रूल सात से विभाजकता का रूल कहता है मेरे दोस्त सात से विभाजकता का रूल कहता है कि तीन तीन के पेयर बनाओ कितने के तीन तीन के पेयर के बाद में बच गया क्या केवल बच गया तीन तीन के पेयर बना दो तीन तीन के पेयर बना बनाओ तीन तीन के, 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 के मेरे दोस्त पेयर तो यहां पर एक पेयर दो पेयर अब देखो इसको जोड़ो कितना हो गया दोस्त हमेशा ध्यान रखना मेरे भैया एक चीज ध्यान रखना हमेशा के लिए कि मेरे दोस्त इतना याद रखो कि यहां पर हम जोड़ देंगे अब देखो कितना गया बानवे में से एक अल्टरनेट छोड़ के जोड़ो तो बानवे और दो हमारे बानवे और तीन कितना हो गया पिचानवे और दूसरे वार्ड में से घटा दो कितना पच्चीस तो हम घटा देंगे कितना आंसर आ जाएगा सत्तर और सत्तर सात से डिविजल्ट होता है हाँ ये सात से विभाज होगा इसका योग सात से डिवाइड हो जाएगा मेरे दोस्त तीन तीन के पेयर बनाओ तीन तीन के पेयर के बाद अल्टरनेट जोड़ो तो ये बानवे हो गया बानवे और तीन पचानवे दूसरे वाले को घटा दो पिछा सत्तर बचा देखो अल्टरनेट जोड़ना है तो मेरे भैया इसको छोड़ा हमने ये कर दिया आंसर आ गया सत्तर दूसरा क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त वाई थ्री सेवन वन कूपन कोड लगा के ले सकते हो वाई दूसरा देखो तीन से डिविजिलिटी का रूल तीन से विभाजकता का रूल कहता है तीन से का रूल कहता है कि इनकी संख्याओं का योग तीन से डिवाइड होना चाहिए इनकी संख्याओं का योग इनकी जो संख्या है ना ये जो संख्या है इनको जोड़ के यदि कोई संख्या तीन से डिवाइड है तो वो संख्या पूरी तरह से तीन से डिवाइड होगी वो संख्या पूरी तरह से तीन से डिवाइड होगी वो संख्या पूरी तरह से तीन से डिवाइड होगी इनकी संख्याओं का योग पीछे से करता हूं जैसे दो और एक तीन तीन और तीन छह छह योग हो गया तीन से डिवाइड है कि नहीं बोले हाँ डिवाइड है तो ये संख्या पूरी तरह से तीन से डिवाइड होगी देखो मेरे भैया मैं क्या करूं इनके अंकों का योग इनके अंकों का योग

कैसे दो और तीन जोड़ लो दो और तीन क्योंकि तीन से डिवाइड करना है मुझे पूरी संख्या नहीं जोड़नी ऐसा क्यों कहते हैं ये डिवाइड नहीं होगा तीन और दो पांच और एक छह छह और चार दस दस बारह और तेरह तेरह तीन से डिवाइड है इसलिए मैंने कहा ये डिवाइड नहीं होगा तीन दो एक तीन दो और एक तीन चार बचा चार तीन से डिवाइड नहीं होगा तो ऐसे कभी नहीं करना आपको पूरा नहीं जोड़ना है अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो मेरे मेरे मेंध। मेंध। सिर्फ मेरे दोस्त मेहनत सिर्फ मेरे दोस्त मेहनत आपको मेरे दोस्त सिर्फ आपको मेरे दोस्त मेहनत करनी है सिर्फ आपको मेरे दोस्त मेहनत करनी है कौन कहता है कि यार तुम पांच से डिवाइड करो जब कभी भी आपको पांच से भाग करना हो जब कभी भी आपको पांच से भाग करना हो तो मैं कभी नहीं कहूंगा इस हिंदुस्तान की ताकत नहीं है जो मैं ये कहूंगा कि आप पांच से भाग करो मैं कभी नहीं कहूंगा ये लाइफ में नहीं कहूंगा कभी जिंदगी में नहीं कहूंगा आपसे कि आप पांच से डिवाइड करो मैं कभी नहीं कहूंगा बोले सर क्यों आप तो ये पांच से डिवाइड कर पा रहे हैं आप क्यों नहीं कहोगे पांच से डिवाइड करो मेरी बहन मेरे भाई मेरे दोस्त जरा समझो जरा सुनो मनोज शर्मा सर की बात को मैं नहीं कह रहा हूं पांच से डिवाइड करो मैं कुछ और तरीका बताऊंगा जब कभी भी पांच से डिवाइड पूछे सिर्फ दो से गुणा कर देना सिर्फ दो से दो एक दो चार दो एक अन दो बोले सर अब क्या करूं पांच से डिवाइड कराना ना बस एक अंक बाद पॉइंट लगा देना सिर्फ एक अंक बाद पॉइंट हो गया दो चौबीस पॉइंट दो अब देखो यहां पर जब कभी भी पांच से भाग करवाई सिर्फ दो से गुणा करना दोनी चार दो चौकार दो चार एक अंक बाद पॉइंट लगा दो सिर्फ एक अंक बाद पॉइंट सिर्फ एक अंक बाद पॉइंट अड़तालीस पॉइंट बताओ इसका आंसर क्या है बताओ क्विकली फास्ट 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 दो से गुणा करके मेरे दो से एक अंक बात पॉइंट दो से गुणा करके एक अंक बात पॉइंट इसका आंसर बताओ दो से गुणा करके एक अंक बात पॉइंट तो ये कहते मनोज शर्मा सर की ट्रिक यही तो मैं कहता हूं कि कभी भी एप्टीट्यूड का मतलब होता है अप्रोच अप्रोच क्या क्या जानते हो कभी भी आपसे एग्जाम लड़का पूरा कोई पोथन्ना भरवाता है क्या कोई पूरा पोथन्ना भरवाता है कि तुम 25 पेज का नहीं नहीं आप आंसर निकाल के दिखाओ जब तुम टेंथ में जितने पेज भरोगे उतना नंबर मिलेगा ऐसा थोड़ी नहीं होता यार यहां तो कहता है ऑब्जेक्टिव है भैया यहां तो ऑब्जेक्टिव है जरा पढ़ो जरा समझो अरे मेरी बहन जरा समझो कि मनोज शर्मा सर कहना क्या चाह रहे हैं अच्छा अच्छा लॉजिक अच्छा अच्छा लॉजिक लॉजिक सर मैं क्या करूंगी अरे यार ऐसे मूड नहीं खुजाना

मैं ऐसे पैन को छोड़ दूंगा मैंने बोला पूरी संख्या को डिवाइड के करने के लिए देखो ऐसे पैन को छोड़ दूंगा यार अब बोले सर क्या बताओगे सिर्फ लास्ट के टू डिजिट को चार से डिवाइड करके देखना लास्ट के टू डिजिट को लास्ट की टूट जिट को, को, को सिर्फ चार से डिवाइड करके देखना है लास्ट की टूट जिट को अंत की दो जिट को अंत की दो जिट को

बीस से सत्तर तक कितनी आवाज संख्याएं? यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके लिए अनिवार्य है।, है प्राइम नंबर यह क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछता है और मैं डायरेक्ट पूछता है तो आज मैंने यहां पर लिखवाया अभी आपके लिए सिर्फ आपके लिए मेहनत की है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर ये कहती है भैया ना तो मैं किसी से दोस्ती करना चाहती और ना मैं किसी से बैर करना चाहती मुझे पढ़ने दो मैं सिर्फ पढ़ने के लिए आई हूं मुझे यहां किसी से दोस्ती नहीं करनी तो ये अभाज्य संख्या कहती है ये प्राइम संख्या कहती है जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो या सिर्फ एक से डिवाइड हो जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो या मेरे दोस्त एक से डिवाइड हो वो होती है हमारी प्राइम संख्या है, वो होती है हमारी आवाज संख्या है। तो जरा समझना मेरी बहन और हमेशा याद रखना कि जीरो से लेके दस तक जीरो से लेके दस तक मेरे भैया चार आवाज संख्या आती है ये अभाज्य संख्या है चार ये आवाज संख्या प्राइम नंबर है

ये चार और ये कितना हो गया चार और दो छह और दो आठ आठ और दो दस बारह बारह और तीन हमारे पास पंद्रह बीस से लेकर सत्तर तक बीस से लेकर सत्तर तक बताओ मेरी बहन बताओ मेरे भैया बताओ मेरे भैया बताए मेरे दोस्त बताए मेरे दोस्त यार कुछ आंसर आएगा बताइए बताओ ग्यारह आएगा पंद्रह आएगा जल्दी से जल्दी बताओ यार जल्दी से जल्दी बताइए मेरे भैया कितना आंसर आएगा बताओ मेरे भैया देखो यार ये मेरे भैया बीस से ले रहा है तो ये चार वाला थोड़ी नहीं लेगा जब बीस से बात कर रहा है तो ये वाला लेगा ना मेरी बात समझना हमेशा के लिए चार और दो छह छह और दो आठ तो ये मेरे भैया हमको तो चीजें समझनी है तो ये चीजें समझ रही है आठ और तीन ग्यारह तो ग्यारह आंसर होगा इसका क्या होगा ग्यारह आंसर होगा यही गलती मत करना बीस से तो मतलब बीस से आगे तो ये बीस से तीस वाली कैटेगरी में आएगा ना अरे बीस से आगे तो बीस से तो इसे तीस वाली कैटेगरी में आ गया ना ये मेरे दोस्त किस में आ गया तीस वाली कैटेगरी में आ गया ना तीस वाले में आ गया ना किस में आ गया मेरे दोस्त बीस से बात कर रहा है तो बीस से बात कर रहा है या देख कैसा बीस तक तो मेरे भैया मैं करता बीस से मतलब तो तीस वाली कैटेगरी में आ गया ना बीस से लेके तीस तक तो दो, दो संख्या लेके तीस तक तो दो, दो संख्या आएंगी ना अरे बीस से लेके तीस तक तो दो संख्याएं आएंगे आवाज से तक दो संख्या आएंगी चालीस से पचास तक तीन संख्या आएंगी पचास से साठ तक दो संख्या और साठ से सत्तर तक दो संख्या तो जरा समझना ये पंद्रह कभी ऐसे मत दे देना यही जो मेरा मकसद था आपको समझाने का कि आप जो मैंने यहां पर पंद्रह करके दिखाया तो कभी भी ऐसे मत करना यह आपका गलत हो जाएगा ऐसे कभी भी मत करना कि आप इसका आंसर पंद्रह दे दो तो जो मैंने आपको

मेरे दोस्त इधर ध्यान देना कुछ मेरे दोस्त आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे एक बार कमेंट बॉक्स में ये भैया से आपका वायदा है मेरी बहन मेरे भाइयों का कि एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं जो दोस्त हमारे बी एआरसी की बिल्कुल कंटिन्यू तरीका की तैयारी करना चाहते हैं कॉन्सेप्ट के साथ सभी चीजों को तो या तो हमारे एप्लीकेशन पर जाना है या हमारी वेबसाइट अड्डा ट्वेंटी पर जाना है यहां पर आपको ऑल कोर्स पर जाना है, है एस एस दोस्त और एस एस सी में वही है यूज करना है मेरे दोस्त कितना वाई थ्री सेवन वन वाई तीन सो इकहत्तर जैसे ही अप्लाई करोगे तो ये आपको मेरे दोस्त कितने का मिलेगा वाई तीन सो इकहत्तर लगा के बारह सो सतासी रुपए का मिल जाएगा और यहां पर आपको छह महीने की वैलिडी है पूरी मेरे दोस्त एक सौ साठ घंटे हो चुकी है इसकी दो तीन क्लासेज हो गई है इसकी रिकॉर्डिंग क्लास आपको मिलेंगी तो ये पुराने वाला भी बैच मेरे भैया ले सकते हैं प्राइज एक ही है प्राइज एक ही है बारह सौ सतासी मेरे दोस्त दोनों का प्राइज एक ही है तो आप हमारे इन बैचों के साथ जुड़ सकते हैं और मेरे दोस्त आज की क्लास कैसी लगी एक बार मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं इसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा मेरे भैया ये वाई थ्री सेवन वन कूपन कोड जरूर लगाना है वाई तीन सौ इकहत्तर और आज की क्लास कैसी लगी एक बार भैया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्योंकि उससे मुझे प्यार और मिलता है और मैं आज की कमेंट मेरे दोस्त कल आपके यहां पर दिखाऊंगा कि आज की क्लास कैसी लगी है प्यार कैसा दिया और डेली सुबह दस बजे मेरे साथ जरूर जुड़ा करें और शाम साढ़े चार बजे यूपी देखो मैं दो क्लास आपको जरूर इंपोर्टेंट बताऊंगा रात ग्यारह बजे और ये सुबह दस बजे और साढ़े चार बजे आप जुड़ना है तो जुड़ सकते हो डी के साथ तो एक बात ध्यान रखना सामने खड़ी मंजिल सामने खड़ी मंजिल इंगस से मैं बुलाती है मेहनत करने वालों के माथे पर तिलक लगाती है ऑल दी बेस्ट थैंक्स बाय बाय टेक केयर मिलते हैं आपके साथ एक नई मुलाकात और एक नए जोश के साथ अब ठीक है बाद में ऑफलाइन कमेंट करना है जब ये वीडियो अभी अपलोड हो जाएगी जस्ट ठीक है ओके ऑल दी बाय थैंक्स बाय बाय टेक केयर